पता है मेरा बड़ा बेटा 5 बेटियों के बाद मिला था, मेरा लाडला नहीं होगा। मैंने उसको प्यार से नहीं पाला होगा। मैं जब तक एक निवाला नहीं खाती थी, जब तक मैं अपने बच्चों को मुंह में निवाला नहीं डालू। आज वही बच्चे बाहर बैठ के खा रहे, मैं अंदर भूख में सोई हुई। कई मरतबा कई रातें ऐसी गुजरी बड़े के घर पे। बहुत दुख होता है जब कोई ऐसी कहानी सामने आती है कि एक माँ भी अपने बच्चों से बर्दाश्त नहीं हुई। फिर सुबह 9:15 बजते थे, बड़ी बहू निकाल देती थी, जाओ लड़ाई झगड़े जादू टोने ये वो। एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद 2 किलो आटा में गूंथती थी, रोटियां बनाती थी। मेरी रात दिन अल्लाह से यही दुआ है, मेरे बच्चे के पेट से ये जो जिसने डाला है कुदरत की तरफ से निकलेंगे। इतना कुछ होने के बाद भी आज अपने बेटों के लिए आप कुछ गलत दुआ नहीं मांगते या गलत नहीं सोचते? बेटा कैसे बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महानजरा। नाज़रीन, माशरे में जिस तरह केसेस दिन ब दिन इस तरह के सामने आते हैं कि शादी के बाद जो है वो माएँ अपनी औलादों पर बोझ बन जाती हैं, बेटों के लिए माएँ बोझ बन जाती हैं, वो अपने आप को उनकी औलाद तक नहीं मानते। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। आज ऐसी कहानी आपके सामने लेके आई हूँ जिस माँ ने, एक बच्चा होता है, आपको पता है कि माँ कितनी मेहनत से पालती है, कितनी तकलीफ़ों से उसको पैदा करती है, और पैदा करने के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी औलाद पे लुटा देती है। जब आखिर में उसकी औलाद आके उसे अपने साथ रखना तक पसंद नहीं करती, उसे अपनी माँ तक कबूल करना पसंद नहीं करती, तो उस माँ पर क्या बीतती होगी? आज जो कहानी मैं आपके साथ लेके आई हूँ वो ऐसी एक माँ की है जो इस वक्त बिनते फातिमा फाउंडेशन में रिहाइश पज़ीर हैं। उनके साथ भी कुछ इसी तरह का मामला पेश आया जिसके बाद वो यहाँ पर रह रही हैं। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि उनकी क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आंटी क्या नाम है आपका? फरीदा नाम है मेरा। अम्मा बताइए कि 8 माह आपको यहाँ पर हो गए हैं, क्या वजह बनी थी? माशाल्लाह से इतनी अच्छी आप हैं, इतनी पोलाइटली आप बात कर रही हैं सबसे, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अपने साथ रखना पसंद नहीं करेगा। बस बेटा मसला ये हो गया ना, शोहर के बाद मकान मेरे नाम था, बस वो खटक गया था वो, तो ये मकान हमारे नाम हो जाए। बेटा मेरा बड़ा खूबसूरत घर बना हुआ था, बहुत खूबसूरत था, मेरे पड़ोसी मेरे घर में देखने आते थे, मिलने आते, हमारे ख़ानदान वाले आते तो कहते थे इसका कितना खूबसूरत घर बना। बस बहू के कदम घर पे पड़ने से पहले ही ना, मंगनी होने से मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। सब ने कहा मनु से मैंने नहीं माना उस बात को, ज़िंदगी उसकी इतनी थी। फिर आस्ते 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 बेटा मेरा सब घर का सारा सामान ख़त्म हो गया, जैसे ना कोई तूफान आ जाए, इस तरह तूफान की तरह हर चीज़ बिखर गई। आखिर में खाली घर बच गया, वो भी लड़ाई झगड़े जादू टोने ये वो। मेरी बहू को जादू टोने बहुत आते हैं, बहुत जादू टोने ये हो करके ना, फिर आखिर मकान भी बिक गया। तो फिर 7 महीने छोटे ने अपने पास रखा, वो भी ऐसे रखा जैसे ना के बराबर जैसा। बच्चे कितने हैं आपके? 8 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 6 बेटियाँ। फिर बस इस तरह भटकते फिर लड़ाई झगड़े भी हुए, तो मैंने एक दिन अपनी बड़ी बहन के पास भी गई, दामाद के पास भी गई, दामाद भी है भांजा भी है। फिर उनको मैंने बता नहीं रहा, चलो हम चलते हैं बात करते हैं, यहाँ तक तो मेरा बंटवारा कर दिया। रात को एक जगह सोना है, सुबह दूसरी जगह पे आना है। फिर सुबह 9:15 बजते थे, बड़ी बहू निकाल देती थी, जाओ। और छोटा बेटा कहता था 10 बजे से पहले नहीं आओ, हम देर से उठते हैं। फिर बेटा 1 घंटा में ना बस कभी इधर बैठना, कभी उधर बैठना, कभी उधर बैठना, इस तरह करते करते मैं 1 घंटा गुजारती थी। 1 घंटे के बाद जाती थी तो बेटा काम पे चला जाता था, कभी होता था। फिर बैठी रहती थी कोने में, एक कोना पकड़ के बैठ जाती थी। फिर 12 बजते थे तो अपने बिस्तर से गर्दन उठा के बहू बोलती, अम्मा जाओ बच्चों को स्कूल से ले आओ। फिर बच्चों को स्कूल से ले आती थी, स्कूल से लेकर आती थी, फिर थोड़ी देर सांस फूल जाता था, वजन ही भेग होते ना बच्चों के। आप लेके आती थी स्कूल में? लेके आती थी, फिर आके थोड़ी देर बैठती थी, पानी भी खुद उठ के पीती थी, पानी मुझे गिलास भर के हाथ में नहीं देती थी।
फिर अम्मा बर्तन पड़े बर्तन धो लो, एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद 2 किलो आटा में गूंथती थी, 2 किलो आटे की मैं रोटियां बनाती थी। आखिर में 2 रोटियां बच जाती थी ना, तो मेरी टांगें शल हो जाती थी, खड़े होते होते टांगें शल हो जाती थी। फिर मैं किचन में से निकल के कूलर में से आधा गिलास पानी का भर के आके नीचे कमरे में ज़मीन पे बैठ जाती थी सांस लेने के लिए। जब सांस ले लेती थी फिर वही 2 रोटियां बनाती थी, बर्तन धोना, फिर बच्चों को मदरसे छोड़ने जाना, ट्यूशन छोड़ने जाना, ट्यूशन से लेकर आना, सारा मैं काम करती। किस तरह भी मैं बैठी रहूँ ना, मुझे ये ना बोले निकल जा, दोपहर का खाना देती थी। इस तरह करते करते बेटा रोज़ बेटा छोटा बोले आज से तुम मेरे घर आओगी मैं घर छोड़ कर चले जाऊँगा, 4 मरतबा उसने बोला मुझे। जब मैं यहाँ आ रही हूँ उनसे 8 दिन पहले, तो बड़ी बहू को तो मैंने बताया ना, उसका एक ही कलाम था मेरे ऊपर, एक खिताब था, ये रुल के मरी है, कुटनी है, जादूगरनी है, मरती नहीं है, ये लफ्ज़ 4 मेरे ऊपर सुबह भी होते थे, शाम को भी होते थे, रात को भी होते थे। इतवार का दिन था तो मुझे कह रही थी रुल के मरी है, जाती नहीं है, दफ़ा हो जा, गर्क हो जा। तो मैंने बेटे को आवाज़ दी, मैंने कहा देखो बेटा मुझे ये इस तरह कह रही है। तो बेटा मेरी बात सुन के करवट लेके सो गया। मैं चुपचाप चादर उठा के अपनी छोटे के घर गई। छोटे को मैंने कहा देखो भाई, मैं कहा बेटा अजबरी ने मुझे फिर ये लफ्ज़ बोला, तो जो नाश्ता कर रहा था ना रोटी फेंक के ज़मीन पे, कहते आज के बाद मेरे घर आओगे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। मैंने उसी टाइम उठ के खड़ी हो गई, इसके बाद मैं निकल पड़ी। फिर भाई के घर गई, रो रही थी, भाई ने बोला क्या हुआ। मैंने भाई इस तरह मेरे से वो तो अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, हम मुझे कहीं भी छोड़ दो ना, किसी इदारे में भी छोड़ दो। मैंने फिर ये इधर का नाम लिया, मैंने कहा भाई, भाई ने बोला नहीं खैर खैर बैठ जा बेटा, कुछ नहीं कुछ नहीं। इस तरह करते करते 6 दिन गुजर गए। फिर मेरे बेटे को फ़ोन किया मेरे भाई ने, तो आओ तो मैं तुम्हारी माँ मेरे पास है, आके बात बात करो, माँ को ले जाओ। नहीं आए, नहीं आए, तो भाई ने फिर कहा चलो अभी अब बस हो गई, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। मेरे कहने से ही मुझे भाई छोड़ के गया, भाई की मर्ज़ी नहीं थी, मेरे कहने से ही छोड़ के गया। फिर यहाँ आई तो 1000 बातें मेरे पे हो गई। बच्चियाँ मेरी परेशान हुई थी, बता रही थी अम्मा हम बहुत परेशान हो गए, हमारे बीपी हाई हो गए, ये वो बता रही थी। मैंने बेटा मैं कितना रुलूँ, सुबह से लेके वहाँ, शाम से लेके वहाँ, बारिश हो जाए, पानी हो जाए, तूफान आ जाए, सर्दी हो, गर्मी हो, मेरा यही सुबह जाओ रात को आओ, सुबह जाओ रात को आओ। रमज़ान का महीना था अगले, ये रोज़ा खोल के छोटे के घर में इफ्तारी करके फिर बड़े के घर जाती थी, तो रास्ते में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। बस छोटे बड़े की सीढ़ी में एक मरतबा मंजिल मैंने चढ़ी, दूसरे मंजिल पर मैं चढ़ नहीं सकी, मुझे उल्टियाँ होने लगी, मैं उल्टियाँ करके निडाल हो गई, बिल्कुल निडाल पड़ी थी सीढ़ियों पर, कहाँ मेरा पर्स कहाँ, मैं निडाल पड़ी थी, कम से कम 20 मिनट तक मैं निडाल पड़ी थी। इसके बाद मैंने अपने आप को संभाला, इसके बाद आस्ते आस्ते चढ़ के ऊपर गई, तो बेटा मेरे मुंह में देखता बोलता क्या हुआ। मैंने कहा बहुत गर्मी है ना, सिर्फ मैंने एक लफ्ज़ बोला, ये बोल के अपनी जगह पे जाके लेट गई। फिर जब नीचे उतरा पता कहता पता नहीं किसने सीढ़ियों पे उल्टी की है, सारी सीढ़ियाँ भरी हुई हैं। मैंने नहीं बताया, फिर मैंने दूसरे दिन बताया, मैंने कहा इमरान मैंने की थी उल्टी, क्यों क्या हुआ था। मैंने कहा इस तरह मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। बेटा चाहे तबीयत ख़राब हो जाए, चाहे कुछ भी हो, नहीं ख्याल करते थे। कभी अगर बेटा थोड़ा पलटता था ना ख्याल रखने के लिए, बेटा था ना, देखता था माँ की तबीयत ख़राब हो गई, थोड़ा एक दिन पलट के थोड़ा ख्याल रखता था ना, दूसरे दिन से ज़्यादा बागी हो जाता था। पता नहीं क्या करती थी, क्या पढ़ती थी, क्या उसके ऊपर फूंकती थी, वो तो अल्लाह को पता है। मेरी रात दिन अल्लाह से यही दुआ है, मेरे बच्चे के पेट से जो जिसने डाला है जादू टोने जो भी करती है वजीफे, कुदरत की तरफ से निकलेंगे, मेरे बच्चे की आंखें खुली। इससे पहले ठीक थे आपके साथ बेटे? बेटा हीरो था, मेरा बॉडीगार्ड था, इस तरफ बड़ा बैठता था, इस तरफ छोटा बैठता था, मैं बीच में बैठती थी, मेरे अलावा निवाला नहीं खाता था, मेरे बगैर सोता नहीं था, कहीं भी चली जाती थी जागता रहता था, अम्मा अभी तक नहीं आई, अम्मा अभी तक नहीं आई है, बहन के बेटी के घर जाऊँ कभी कहाँ जाऊँ तो बेचैन हो जाता था। आज वो बेचा है माँ को पूछता ही नहीं है, माँ उसको अच्छी नहीं लगती, माँ बुरी लगती है, सिर्फ बीवी अच्छी लगती है, ससुराल अच्छा लगता है, सास अच्छी लगती है, माँ अच्छी नहीं लगती। छोटा भी ऐसा ही है, छोटे वाले को ससुराल अच्छा लगता है, माँ अच्छी नहीं लगती है। मेरी बच्चियाँ अल्लाह की शुक्र है मेरे से अच्छी हैं, मेरा ख्याल भी रखती हैं,
अभी भी बहुत मेरा ख्याल रखती थी। मैं दो दिन के लिए गई थी मिलने के लिए, मेरा बहुत ख्याल रखा था, बहुत मेरे कर रही थी मेरा। तो उन्होंने कहा था माँ हम आपसे मिलने आएंगे, आपको लेने आएंगे, जब तो आपको देखते मैंने कहा मेरी बड़ी बेटी आई हुई है, क्योंकि उस तरह आपकी तरह ऐसे कपड़े पहनती है ना। तो मैंने कहा है तो मेरी बेटी, आपको गौर से देखा तो मैंने कहा नहीं ये तो दूसरी कोई है, अब भी मेरी बेटी है बेटा, अब बेटी जैसी हो, बिल्कुल बेटी जैसी हो। अच्छा 8 महीने हो गए अभी तक किसी ने बेटे ने रब्ता नहीं किया, फ़ोन पर भी नहीं? फ़ोन पे अम्मी को, फरजाना अम्मी को मैसेज आए थे बुरे बुरे, हमारी माँ ऐसी है, हमारी माँ वैसी है, हमारी माँ अच्छी नहीं है, हमारी माँ गलत है। तो फरजाना अम्मी ने कहा अगर गलत होती तो इस तरह परेशान ना होती, गलत औरतों को भी मैं जानती हूँ, सही को भी मैं जानती हूँ। इतना कुछ होने के बाद भी आज अपने बेटों के लिए आप कुछ गलत दुआ नहीं मांगते या गलत नहीं सोचते? बेटा कैसे बोलूँ, पता है मेरा बड़ा बेटा, पांच बेटियों के बाद मिला था बड़ा बेटा, तो मेरा लाडला नहीं होगा, मैंने उसको प्यार से नहीं पाला होगा, वो पांच बेटियों के बाद मिला था तो मेरा लाडला नहीं होगा, मैंने उसको किस तरह पाला होगा, पलकों में मैंने पाला है। छोटा फिर दूसरी बेटी हुई, इसके बाद फिर छोटा हुआ, मैं पलकों में सारी सारी रात बीमार होते थे, मैं गोद में लेके बैठी रहती थी, हाँ मैं नहीं सोती थी बच्चों को, मैं सोचा तुम्हारी तबीयत सही है, मैं जब तक एक निवाला नहीं खाती थी जब तक मैं अपने बच्चों को मुँह में निवाला नहीं डालूँ, आज वही बच्चे बाहर बैठ के खा रहे, मैं अंदर भूख में सोई हुई। कई मरतबा कई रातें ऐसी गुजरी बड़ों के बड़े के घर पर, कई रातें भूखा सो जाती थी, या तो अपना लेके आके खाई, अगर नहीं लेके आके खाती थी तो भूखी सो जाती थी। छोटा कहते आज नहीं लेके जाना, देख तुझे खाना देते नहीं देते। तो एक मरतबा छोटे की बात मान के मैंने नहीं लिया कुछ, बर्गर वगैरह नहीं लिया, आई बच्ची पूछना माँ पापा बोलता है खाना खाया है आपने, तो मेरे गर्दन से कहा नहीं, तो बेटी को अपनी बीवी को बोला अम्मा को खाना दो, बेटा वो मुझे बात बोलती नहीं है, खाना मुझे भेजा मेरे सामने रखा था, मेरी आदत है मैं रोटी के 4 टुकड़े करती हूँ सुन्नत के हिसाब से, 3 टुकड़े मैंने नीचे रखे प्लेट में, 1 टुकड़ा मेरे हाथ में था, मैंने बस प्लेट में से अब सालन को यूं यूं किया, एक निवाला मैंने खाया, सिर्फ एक निवाला। फ़ौरन बोलती है बेटी को उठा उठा, इसके आगे से खाना, इसके पेट में तो अजदा पड़े हुए हैं, इसके पेट में तो सांप है, ये इसका तो पेट कभी भरेगा नहीं। मेरे आगे से सालन खाना उठा लिया, बेटा तो नीचे चला गया दोस्तों में, उसको पता ही नहीं था माँ ने खाया या नहीं खाया, मैं रो के वो टुकड़ा बाकी रोटी का खा के पानी पी के मैं सो गई। मैंने कहा आज तूने मेरे आगे से उठाया, अल्लाह देख रहा है ना, हाँ कभी ना कभी तेरे ऊपर भी ये वक्त आएगा, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ज़रूर करेगा। मैं भी उम्रे पे गई थी, मैंने अपने बच्चों के लिए सब के लिए दुआएं मांगी, एक एक बच्चों के लिए दुआएं मांगी, सब के लिए नहीं मांगी मैंने, इस बहू के लिए नहीं मांगी, हाँ मैंने नहीं मांगी, हाँ अगर बुरा नहीं बोलनी कुछ उसके लिए, कोई बुरी दुआ नहीं करी तो वो अच्छी दुआओं की हकदार भी नहीं है, हकदार नहीं है। मैंने दोनों बहुओं के लिए दुआ नहीं मांगी, मैंने पर पोती मेरी है उसके लिए नवासी है, मैं पर नवासी उसके लिए भी मैंने दुआएं मांगी। ये जो दोनों बेटे हैं इनके औलादे हैं? हाँ बड़े बेटे को 2 बेटे एक बेटी है, और छोटे को 2 बेटियाँ एक बेटा है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी बेटी 7 साल 8 साल की है, बेटा 6 साल का है, दूसरी 3 साल की है, वो छोटे छोटे खुद माँ है लेकिन फिर भी एक माँ का एहसास नहीं करी, बड़ी बात। वो आखिरी में थोड़ा एहसास वो करने लगी, जो मैं सारा काम करती थी ना उसका, तो थोड़ा ऊपर से लाड करती थी, ऊपर से उसका प्यार था, अंदर से मेरे बेटे के दिल में जहर भर रही थी मेरे लिए, अंदर से मेरे बेटे के दिल में जहर डाल रही थी, ऊपर से मेरे से लाड था। मैं समझ जाती थी बेटा, छोटी बच्ची नहीं हूँ ना समझो, मैं समझ जाती थी, तो ये ऊपर का सिर्फ इसका दिखा हुआ है प्यार करने का, ख्याल रखती थी दुनिया को दिखाने के, देखो मैं अम्मा का ख्याल रख रही हूँ, तो ऊपर से बेटे को अंदर जहर दे रही थी, तेरी माँ ऐसी है आती हूँ, हमारी खुशियाँ नहीं है, हमारी खुशियाँ ख़राब हो गई है, हमारे घर का सुकून चला गया, ये हो गया वो हो गया, बेटा बिगड़ जाता था। यहाँ पे खुश हैं, यहाँ पे माहौल ज़हनी सुकून हर चीज़ का, अम्मी बिल्कुल बहुत ख्याल रखती है, कोई काम होता है अपने साथ साथ मुझे खड़ा करती हैं, सुबह या नहाना होता है ना सबका, तो कपड़े देने पे लेने रखने पे मुझे अपने साथ ही खड़ा करती है, जैसे मैं अम्मी का पार्टनर हूँ एक हिसाब से,
अम्मी के साथ साथ खड़ी होती। अभी कभी कोई ऐसा काम हो, कोई नीचे आ जाए, मैं फ़ौरन अम्मी के साथ ही खड़ी हो जाती हूँ। और मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत मेरा ख्याल रखती है। तो बेटा इसीलिए तो इंसान का दिल बड़ा हो गया ना, सबको भूल के जैसे यहाँ रह रही हूँ, तो कोई सहारा है ना, ये इस सहारे से जी रही हूँ। जब उम्र पे गई तो मैंने अम्मी से ये कहा, मैंने कहा अम्मी मैं सारे दुख बोल गई, मैं सारे गम सारी बातें बोल के या मदीने पहुँची हूँ, मुझे कोई कुछ याद नहीं आ रहा है। तो गले लगा के कहती है बस इसी इधर इबादत करो, दुआएं मांगो, किसी को याद नहीं करो। फिर मैंने मेरे बच्चे, तो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, माँ कुछ भी करे, बच्चे कुछ भी करे माँ तो नहीं बुलाती ना। मैंने एक एक के सबके लिए दुआएँ मांगी थी, अपने बच्चों के लिए, इन बदतमीज़ों के लिए भी दुआएँ मांगी थी। इनका कसूर नहीं है, इनकी आंखों पे पट्टी चढ़ी हुई है। जब अल्लाह पट्टी उतारेगा ना तो उनका माँ को एहसास होगा। तो मैं यही कहती हूँ जब इनकी आंखें खुलेंगी बहुत देर हो जाएगी। नज़रीन बहुत दुख होता है जब कोई ऐसी कहानी सामने आती है कि एक माँ भी अपने बच्चों से बर्दाश्त नहीं हुई। एक माँ का कहते हैं ना साया सर पे होना ही एक बहुत बड़ी नेमत होता है। आप उन लोगों से पूछें जिनकी माएँ दुनिया में मौजूद नहीं हैं, और उनको होगा एहसास, इनके जो बेटे हैं उनको एहसास होगा, लेकिन शायद तब तक उनकी माँ ना हो। तो अपनी माँओं का ख्याल करें, क्योंकि चंद दिन की ज़िंदगी है और आपकी माएँ आपसे सिर्फ़ आपका साथ और आपकी मोहब्बत मांगती हैं और कुछ नहीं मांगती।